सात दिन के सन्नाटे के बाद इसराइल के हमलों ने गाजा को चीर डाला। एक हफ्ते बाद इसराइल की चुप्पे जब टूटी तो गाजा पट्टी चीख उठी। सात दिन के सीज फायर के बाद इसराइल के अंदर सोया शेर जब जागा तो हमास के लड़ाकों को जान बचाने के लिए ना आसमान मिला ना जमीन। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमों की ऐसी बारिश की है कि हमास के लड़ाकों पर मौत बरस पड़ी है, मगर इसराइल ने हमास के लड़ाकों के भागने के लिए जमीन भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसराइल की तोपों से निकले गोले हमास के ठिकानों पर फट पड़े। सात दिन बाद सुबह 7 बजे इसराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म हुआ और उसके खत्म होने के आधे घंटे बाद ही इसराइल ने ऑल आउट वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर के पहले दिन से सीना ठोक कर कह रहे थे कि सीज फायर का मतलब जंग का एंड नहीं है, जंग पूरी तरह से जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का हर लड़ाका मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता। यानी इसराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। सात दिन बाद उसने गाजा में वो तांडव शुरू किया है जो गाजा में हमास के चीफ याहिया सिनवार का सीना गोलियों से छलनी करने के बाद ही रुकेगा। इसराइल का दावा है कि याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और माना जा रहा है कि याहिया सिनवार इस भीषण युद्ध में भी गाजा में ही मौजूद है। इसराइल याहिया सिनवार तक कैसे पहुंचेगा, उसे किस तरह अपने जाल में फंसाएगा, उसके इस प्लान से भी आज पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि याहिया सिनवार के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले इसराइल ने अपने हमलों का जो ट्रेलर दिखाया है उसमें हमास के लड़ाके कीड़े मकौड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। सीज फायर खत्म होते ही इसराइल ने एक एक दिन की अपनी खामोशी का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। उसने बीते 7 दिन की अपनी सारी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। इसराइल की वॉर का पार्ट 2 इतना भयानक है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में लाशों का अंबार लग गया है। हर पल मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजा के आसमान में इसराइल के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं तो जमीन पर उसके टैंक अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। इसराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भयानक गन फाइट भी चल रही है। गाजा के उत्तर में जबालिया रिफ्यूजी कैंप से लेकर मध्य तक, मध्य से लेकर दक्षिण में खान यूनिस तक, यहां तक कि मिस्र की सीमा के पास रफा शहर तक गाजा में हर तरफ इसराइल बम और गोले गिरा रहा है। लेकिन इसराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है दक्षिणी गाजा पर, गाजा के उस दक्षिणी हिस्से पर जो कि बाकी इलाकों के मुकाबले महफूज माना जा रहा था, क्योंकि इसराइल ने गाजा के लोगों को वहीं पनाह लेने की सलाह दी थी। मगर इसराइल अब गाजा पर रत्ती भर रहम दिखाने को तैयार नहीं। The IDF has published an evacuation zone map in Gaza, and we urge uninvolved civilians to evacuate along the designated routes away from the specific areas of Hamas terror activity for their own safety. Israel बेधड़क दक्षिणी गाजा पर वार कर रहा है और उसकी सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर को खाली करने का फरमान सुना दिया है। खबर है कि इसराइल की सेना ने खान यूनिस में पर्चे गिराकर लोगों को वहां से रफा की तरफ रुख करने को कहा है, मगर इसराइल खान यूनिस के साथ रफा पर भी हमले कर रहा है। यानी गाजा में हर तरफ मौत खड़ी है और खास तौर पर वहां का खान यूनिस शहर कब्रिस्तान बनने वाला है। खान यूनिस दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। खान यूनिस शहर इसराइल के हिट लिस्ट में है क्योंकि खान यूनिस शहर को याहिया सिनवार का गढ़ माना जाता है। कहा जा रहा है कि हमास का खूंखार नेता याहिया सिनवार खान यूनिस शहर में ही छिपा बैठा है।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के तेवर को देखकर रक्षा विशेषज्ञ पहले ही कयास लगा रहे थे कि सीज फायर के बाद जब इसराइल दोबारा जंग शुरू करेगा तो उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा ही होगा, क्योंकि इसराइल ने अपने युद्ध की शुरुआत उत्तरी गाजा से की थी और जंग के पहले 50 दिनों में वो हमले पर हमले करके उत्तरी गाजा को बुरी तरह तबाह कर चुका है। हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह लिए हुए हैं और इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टारगेट नंबर 1 याहिया सिनवार के भी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में होने की खबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब इसराइल ने हमले शुरू किए हैं तो याहिया सिनवार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसराइल याहिया सिनवार को चलता फिरता मुर्दा बताता है, मगर अब उसका प्लान सिनवार को सीधे कब्र में पहुंचाने का है। अगर इस बार इसराइल ने किल सिनवार प्लान को हरी झंडी दे दी तो बीते 12 साल से इसराइल अपने जिस दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा पाया, अब उसके रास्ते का वो रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। हालांकि इसराइल की मीडिया की खबर कहती है कि सिनवार को जिंदा रखने वाले खुद नेतन्याहू ही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सुरक्षा अधिकारी नेतन्याहू के सामने 2011 से लेकर अब तक एक या दो नहीं बल्कि कम से कम 6 बार सिनवार की हत्या का प्लान पेश कर चुके हैं, मगर नेतन्याहू ने हर बार सिनवार को मौत के घाट उतारने के प्लान को रद्द कर दिया। मगर अब नेतन्याहू के तेवर बदले हुए हैं। इसराइल आरोप लगा रहा है कि अपनी मौत को न्योता देने वाला हमास खुद है, क्योंकि ताजा जंग की शुरुआत हमास की तरफ से ही हुई। उसने सीज फायर के दौरान गाजा से इसराइल पर रॉकेट दागे, और तो और जिस यरूशलम शहर को इसराइल अपनी राजधानी बताता है वहां भी हमास ने अपने दो लड़ाके भेजकर दिन दहाड़े सरेआम कत्लेआम करा दिया। गाजा पर हमला शुरू करते ही नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि अब इसराइल गाजा से तभी निकलेगा जब हमास का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसराइल के हमलों का हमास पर रत्ती भर का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमास ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। उसने भी दो टूक कह दिया है कि अब इसराइल जंग जीत कर दिखा दे, जो वो गाजा पर हमले कर कर के पिछले 50 दिनों में हासिल नहीं कर पाया उसे वो अब भी हासिल नहीं कर पाएगा।